नीतीश बाबू बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आरजेडी में हलचल ज्यादा है क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि मीटिंग तो बुलाई गई थी लेकिन मीटिंग में तमाम नेता शामिल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से मीटिंग आगे नहीं बढ़ पाई है। गठबंधन बना था, ये इसीलिए बना था सिर्फ कि सबको सबको अपने क्षेत्र में चाहिए था वर्चस्व। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मुद्दा देश का में, और आज देश का मुद्दा बिहार ही बिहार दिखाई दे रहा है क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल इतनी जोरों पर है कि पल पल में कुछ अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कहा कुछ भी जा सकता है, हो कुछ भी सकता है क्योंकि राजनीति है। कब सत्ता पलट जाए, कब नेता दल बदलू हो जाए और कब पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुद्दा देश का में आज बात नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार 7 महीने पहले एक बैठक बुलाते हैं, बैठक में तमाम विपक्षी दल शामिल होते हैं, गठबंधन तैयार किया जाता है। गठबंधन का नाम होता है इंडिया अलायंस। लेकिन क्या 7 महीने बाद, जब चुनाव बेहद नज़दीक है, वो गठबंधन नज़र आ रहा है? जवाब के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं 80% कहूँगी तो ना, क्योंकि जो सूत्रधार है वही अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं ये बात तो अलग है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक बार फिर से अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी मिल रही है कि नीतीश बाबू बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यहाँ पर जानकारी तो ये भी मिल रही है कि नीतीश बाबू सीएम होंगे और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, कई नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हो। इंडिया गठबंधन से इसलिए मैं इसे जोड़ रही हूँ क्योंकि इंडिया गठबंधन में ही नीतीश कुमार थे ले, और जिन्होंने शुरुआत की थी वही गठबंधन तोड़कर अब बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही जो हलचल है वो तेज है। जानकारी मिल रही है कि अमित शाह, जेपी नड्डा भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर देखा जाए, अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं आरजेडी से और बीजेपी के साथ भी जाते हैं तो भी बहुमत का जो आंकड़ा है 122 से ज्यादा 128 मिल रहा है, यानी कि नीतीश कुमार को कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है। आरजेडी में हलचल ज्यादा है क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि मीटिंग तो बुलाई गई थी लेकिन मीटिंग में तमाम नेता शामिल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से मीटिंग आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैच्योर नेता हैं। तेजस्वी यादव ने आज वो मैच्योरिटी दिखाई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश चाहे कुछ भी कहें, नीतीश चाहे कहीं भी चले जाए, हमारे वो आदरणीय थे, आदरणीय ही रहेंगे। अब ये उन्हें मनाने की कोशिश है या फिर वाकई वो प्रेम है, वो भावना है जो व्यक्त की जा रही है, या फिर राजनीति में देखिए जब मनाना होता है तो कोई कुछ भी करता है। कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआत होती है, देखिए नीतीश कुमार जो है वो जो आखिरी बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उससे ही नाराज चल रहे थे संयोजक पद को लेकर। साथ ही साथ उनका कहना था कि मीटिंग अधूरी है क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि आगे और बातचीत की जरूरत है। तो नीतीश बाबू कहते हैं कि जब बातचीत की जरूरत थी तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई गई है, तभी से ही नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी। इसी सप्ताह बहुत कुछ हुआ, ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में हम कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमारी नहीं सुन रही है। अब कांग्रेस का जो अड़ियल रवैया है वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर। अब कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह ये है कि अकेले क्या कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी, कुछ बदलाव ला पाएगी? हालांकि एक बेहतर खबर जो है कांग्रेस के लिए वो उत्तर प्रदेश से सामने आती है क्योंकि अखिलेश यादव जो है 11 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब इस पर विचार किया जाए क्योंकि कांग्रेस तो मानने वाली नहीं है। 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से अभी 11 ही मिलेंगी, और वो भी वो सीटें जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जितना मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जिस स्थिति में है
फिलहाल तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कहीं ना कहीं गड़बड़ तो लग रही है, हालांकि उतने ज़्यादा उनके विधायक नहीं हैं तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम NDA के साथ हैं लेकिन विकल्प और भी जगह हमारे खुले हुए हैं, हमारे जो सीटें हैं वो कम नहीं होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, यानी कि सबको सिर्फ सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद के साथ कुछ भी किया जाए। BJP जो अपने आप को ये कहती है कि हम वाला खेल नहीं खेलते राजनीति में, लेकिन वही खेल BJP ने खेला। हुआ ये कि BJP ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान कर दिया, तब से ही बिहार की सियासत में बदलाव आ गया। उनकी जन्म जयंती को लेकर, जो 100वीं जयंती थी उनकी, उस पर नीतीश बाबू एक बयान देते हैं परिवारवाद को लेकर और सीधे तौर पर RJD पर निशाना साध देते हैं। अब RJD कह रही है कि ठीक है, नहीं निशाना था, लेकिन कहीं ना कहीं निशाने के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद अगले ही दिन 3 बैक टू बैक ट्वीट आते हैं, ट्वीट करती हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। हालांकि जब इस ट्वीट के बाद हलचल मची और नीतीश बाबू ने खुद कहा कि इस पर संज्ञान लिया जाए, तो रोहिणी आचार्य चुपके से ये जो ट्वीट है वो डिलीट कर देती हैं। लेकिन खेला तो हो गया था, फिर ट्वीट डिलीट करने से कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। हुआ ये कि अब चाचा भतीजे साथ साथ नहीं हैं, अलग होते हुए राह जो है वो पकड़ ली है। तो बिहार की सियासत में कितना बदलाव हुआ है आज, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देश के लिए सही है? नीतीश कुमार हर बार दल बदल लेते हैं, NDA के गठबंधन से सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर BJP को छोड़कर RJD के साथ आ जाते हैं। अभी मुश्किल से 1 साल हुआ और उसके बाद फिर बदल रहे हैं। क्या सिर्फ सत्ता की लालच है या कुछ और, या वाकई प्रदेश का विकास चाहते हैं? अगर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो एक तरफ रहिए ना, पलटू राम क्यों बन रहे हैं? जो आप पहले नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, आज पलटू राम कहा जाता है, क्योंकि वो कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गठबंधन बनाते, BJP को हराने के लिए गठबंधन बनाया था कि NDA को हम तो पूरी तरह से खत्म कर देंगे, BJP को खत्म करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे, आज उसी BJP के साथ फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। आम जनता को इतना ज्यादा मजबूर किया जा रहा है सोचने समझने पर कि आखिर क्या हमारे फायदे के लिए सारी चीजें हो रही हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने से पहले इतने दल बदल रहे हैं, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे अलग होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। बिहार विधानसभा भंग करने की तैयारी नीतीश बाबू ने कर ली है और संभवतः है कि कल वो रविवार के दिन शपथ ले और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, सवाल जो आता है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर जाकर टिक जाता है। कांग्रेस तो ना इधर की रही है ना उधर की रही है। जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, कई राजनीतिक पंडित, कई सोशल एक्टिविस्ट ये एनालिस कर रहे थे कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। और आज हालात जो हैं वही होते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस हो सकता है कि आने वाले समय में अकेले दम पर चुनाव लड़ना पड़े कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के साथ अब कोई नहीं दे रहा है। इधर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी नाराज़ है, पंजाब में तो मना कर ही दिया है, दिल्ली में आप समझ ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ बात नहीं बन पा रही है, 11 सीटों को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है, उधर बंगाल में तो सब कुछ खत्म हो ही गया है, इधर बिहार में भी सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में अकाली दल के साथ BJP की एक बार फिर से क्लोजनेस जो है वो देखी जा रही है। तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पतन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस कमबैक कैसे करेगी? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कितना ज़्यादा होगा ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी कांग्रेस को अब सीरियस लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके खुद के ही जो गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना वर्चस्व बना रही है इस गठबंधन पर, और अपना वर्चस्व बनाकर अपने नज़रिए से जिस तरह से कांग्रेस को चलाना है उसी तरह से चलाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए, अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को समझना होगा कि अपने अपने क्षेत्र में सब कोई मजबूत है,
उधर महाराष्ट्र में उद्धव मजबूत हैं, एनसीपी मजबूत है, इधर देखें हम पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी मजबूत हैं, बीजेपी नहीं टिक पाई ममता बनर्जी के आगे तो कांग्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कांग्रेस से ही निकली है उसके बावजूद भी। इधर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो मायावती तो पहले ही कह चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मान मुनव्वर कर रहे हैं। पंजाब में स्थिति बिल्कुल ख़राब कांग्रेस की हो चुकी है, इधर दिल्ली में भी स्थिति ख़राब नज़र आ रही है, तो बचा क्या फिर? सवाल यही है कि कांग्रेस के पास बचा क्या है? क्या कांग्रेस अब बैकफुट पर आ जाएगी या कांग्रेस अभी ने मनाने की कोशिश करी? क्योंकि जयराम रमेश का भी बयान सामने आया था कि नीतीश से बात करने की कोशिश जारी है लेकिन नीतीश से बात नहीं हो पा रही है। भाई क्यों करेंगे वो बात? नीतीश बाबू तो मन बना चुके हैं ना एनडीए में जाने का, तो वो आपसे बात क्यों करेंगे? आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप जो कर रहे हैं क्या गठबंधन के लिए ठीक है। बहुत पहले से ही मुद्दा देश का प्रोग्राम में हम कहते आए हैं कि गठबंधन जो हो रहा है आप रुक जाइए, 2024 आने दीजिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उसके बाद गठबंधन के हालात क्या होंगे वो नजर आएंगे। उसके बाद इसी हफ्ते 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 23 तारीख से गठबंधन में एक एक करके सारे मोती जो हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात गठबंधन के हैं। ये देश की बात करने वाले थे कि हम देश के मुद्दों को आगे रखेंगे, हम देश के लिए लड़ेंगे, हमारा पूरा ब्लू प्रिंट तैयार है, हमारी जो शीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी जल्द तय हो जाएगा। अब तो कुछ होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये है जो ये कह रहे थे कि हम देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, ताकि देश को बीजेपी जिस तरह से पूरी तरह से बांटने की कोशिश कर रही है वो ना हो पाए, लेकिन आज तो गठबंधन खुद बटा हुआ नज़र आ रहा है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी और क्यों विश्वास करे? हमने तो पहले ही कहा था कि गठबंधन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी सीट चाहते हैं। ये देश के लिए नहीं गठबंधन बना रहे हैं बल्कि अपनी सत्ता के लिए गठबंधन बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये कर ही दिया है साबित, उधर आम आदमी पार्टी भी साबित कर रही है, इधर नीतीश बाबू ने भी साबित कर दिया है, इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी साबित करने पर जुटे हुए हैं, उधर उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद यादव भी ये साबित करने में टिके हुए हैं। तो आप समझिए कि ये जो गठबंधन बना था ये इसीलिए बना था सिर्फ कि सबको अपने क्षेत्र में चाहिए था वर्चस्व, और प्रधानमंत्री की जो कुर्सी खाली को लेकर जो चेहरे सामने नहीं आ पा रहे थे वो भी यही था कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था। नीतीश बाबू के लिए तो अलग से था चादर पोशी, मज़ारों पर मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, तो ये तैयारी थी इनकी। ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से एक प्रदेश की नेता बनकर रह गई हैं, हालांकि नीतीश बाबू को देखिए तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्हें कहीं ना कहीं पूरे देश में उतना तो उनका नज़र नहीं आता है, हो सकता है कि जनता पसंद करे, लेकिन अब तो गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के साथ आप जा रहे हैं और एनडीए बिना शर्तों के आगे नहीं बढ़ने वाली। शर्तें जो हैं वो यही हैं कि ठीक है आप बन जाइए सीएम लेकिन डिप्टी सीएम दो हमारे होंगे। तो ये पूरी कहानी जो है बिहार की इस वक्त नज़र आ रही है। जैसे जैसे समय होता रहेगा वैसे वैसे बदलाव तो आते ही रहेंगे क्योंकि बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। अब देखना यह है कि कल क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि आज की रात अंतिम है, आज की रात भारी है। आज रात अगर आरजेडी कांग्रेस नीतीश बाबू को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद कल सुबह कुछ और तस्वीर नजर आएगी, वरना एनडीए में तो शामिल होने की पूरी तैयारी यहाँ पर नीतीश बाबू ने कर ली है। अब आम जनता को ये सोचना है कि आम जनता किसका चुनाव करने वाली है, क्योंकि हर किसी को सिर्फ सत्ता की लालसा है और कुछ नहीं। मुद्दा देश का में आज नीतीश कुमार मुद्दा था और उम्मीद है कि कुछ अलग तस्वीर नज़र आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नीतीश बाबू क्या वाकई एनडीए में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे या कुछ बदलाव होगा, कुछ और तस्वीर नज़र आएगी, क्योंकि मान मनोबल जारी है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।